नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए आज आपको ले चलते हैं परम अलौकिक जगन्नाथ धाम, जहां महायज्ञ महाशिवरात्रि महोत्सव 2022 का लेखा जोखा किस प्रकार है बताते हैं। हे गुरुवार, हे जगजननी माँ, हमको ये वरदान दे, जन जन में देवत्व जगाए, प्यार भरा अनुदान दे। ये एक छोटी सी कोशिश है, मेरी सार्थक होती दिख रही है आप देवतुल्य श्रद्धालुओं के स्नेह, प्रेम, आस्था और विश्वास से। हम आभार प्रकट करते हैं उन सभी शिव भक्तों को, साथियों को, धर्म प्रेमियों को, जिन्होंने परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव 2022 की सफलता को लेकर ये योगदान राशि दान कर आगमन होकर कार्यक्रम को सफल किया है। श्री श्री 1008 महाशिवरात्रि महोत्सव 2022 के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में पवित्र पावन उपलक्ष्य में आप सभी देवतुल्य श्रद्धालु 3 दिवसीय महायज्ञ के महाशिवरात्रि पावन पर्व पर आप सबके आगमन से जगन्नाथ धाम परिवार जेडी फाउंडेशन टीम अभिभूत है। हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है। कर्म तो मैं करता जाऊंगा क्योंकि आप सब और मेरे साथ डमरू वाला है। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, तभी शिव पार्वती का एक कहलाते हैं। रिश्ते तो दोनों के नेक थे, इसलिए शिव शक्ति एक थे। हम सब भी एक हैं, जरूरत है जागने की और मिलकर एक दूसरे को धर्म के प्रति आस्था को जगाने की। कोई भी सत्य लोक हित, जन हित, धर्म हित, सच्चे कर्म सच्चे दिल से प्रेम भाव से की जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। बधाई उलझने तूफाने तो आना स्वाभाविक है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस महायज्ञ से यही अनुभव प्राप्त हुआ है, इसलिए तो कहते हैं फानुस बनकर हवाएं जिसकी हिफाजत करे वो शम्मा क्या बुझेगी। जिसे रोशन बाबा भोलेनाथ करे और आप सबके साथ जगन्नाथ धाम रहे तो फिर रात में भी दिन रहे। आप सभी सहयोगियों का यश, वैभव, कीर्ति, मान सम्मान बना रहे, ये मंगल कामना करते हैं। परम अलौकिक जगन्नाथ धाम, बाबा भोलेनाथ सबका कल्याण करें। धर्म प्रेमियों, देवतुल्य श्रद्धालुओं और बीएनबी के सभी साथियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए ज्ञात हो कि परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव 2022 में आप सभी का सहयोग सप्रेम भेंट राशि कुल 87,997 रुपये प्राप्त हुए हैं। वहीं कुल खर्च 1,03,000 हुआ है। घोषणा राशि 17,500 रुपये बकाया है। कुछ श्रद्धालुओं ने मौखिक रूप से घोषणा की है किंतु दूर और असुविधा को लेकर सप्रेम भेंट नहीं कर पाए हैं। सभी को आभार, ढेर सारा प्यार। पुनः आप सभी धर्म प्रेमियों, सहयोगताकर्ताओं, श्रद्धालुओं, साथियों, माता एवं भाई बहनों, सखी सहेलियों को कोटि कोटि आभार। जगन्नाथ धाम की ओर से ढेर सारा प्यार। आप लोग का यूं ही बना रहे स्नेह और प्यार, हम धर्महित, लोकहित, जनहित कार्य करने के लिए सदैव है तैयार। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। सत्यमेव जय हिंद, जय हो, वंदे मातरम। जी नमस्कार, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते।